हम अभी करेंगे आर्म्स के लिए एक्सरसाइज, आर्म्स फैट को कम करने के लिए, आर्म्स को टोनिंग करने के लिए और साथ में आपके शोल्डर पावर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे साइड में ओपन कर लीजिए, पाम फेसिंग अपवर्ड, ओके स्टार्ट, रोटेशन, छोटा छोटा रोटेशन 10 times, 1, 2, मेरे काउंटिंग के साथ करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, रिवर्स वही से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, हाथ को नीचे नहीं लेके जाना है, ठीक है, इतना चैलेंज आपको मेंटेन करना है, बस वही से फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड करोगे तो ध्यान रखिए आपका आर्म पैरेलल टू ग्राउंड रहेगा, ठीक है। वहाँ से अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1, down, 2, down, 3, down, वेरी गुड, साथ में होल्ड करेंगे, जहाँ पे होल्डिंग है होल्ड करना है, 4, down, 5, down, 6, बिल्कुल स्ट्रेट, डाउन 7, down and 8, down, 2 more times, 9, down and 10 and down, सिंपल वहीं पे होल्ड करेंगे। वहां से स्लैपिंग फॉरवर्ड, ठीक है, हाथों को सामने, पाम को सामने फेस करा दीजिए ऐसे, वहां से नीचे आप पैरेलल टू ग्राउंड लेके आओगे, उससे नीचे नहीं, एंड देन कमिंग टू बैक, ठीक है, 1, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up, 9, up and 10 and up, वही पे होल्ड करेंगे, वही से आएगा भी, प्रेस करेंगे सामने की तरफ, ठीक है, बटरफ्लाई प्रेस, वहां से 1, बिल्कुल एल्बो टू एल्बो ज्वाइन करना है, दोनों हाथ को प्रणाम पोजिशन में, यस, अप, 2, back, 3, वेरी गुड, बैक, 4, back, 5, back, 6, back, 7, back, 8, back, 9, back and 10 and back, वहां से क्या करोगे, हाथों को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, इसका रिवर्स करेंगे अभी, ऐसे पूरा रोटेशन ऐसे देख लीजिए एक बार, 1, 2, 3, ऊपर रिलैक्स, ओके, ठीक है, इसको करेंगे 10 times, तो एक बार हो गया, फिर सेकेंड राउंड, 1, 2, 3, नेक्स्ट, 1, 2, 3, नेक्स्ट, 1, 2, बहुत फास्ट नहीं, थोड़ा होल्डिंग के साथ, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, स्माइलिंग फेस, 2, 3, 1, 2 and 3, अभी इसी को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, हम पहले सामने लेके आए थे, अभी पहले साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 1, 2 and back, अभी पता चल रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा हाथों में, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड लास्ट 1 2 एंड 3 वही से रिलैक्स ऐसे लेके आओ साइड में और फिर आराम आया। हाँ, अब इस आराम को ज़्यादा देर नहीं करना, फिर कोई एक्सरसाइज का इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। तो क्या करना है, हाथों को यहाँ से हम इस तरह से पूरा एक्सरसाइज एक बार देखिए, यहाँ से फिस्ट को टाइट रखेंगे जैसे हम किसी चीज़ को स्क्वीज कर रहे हैं बहुत ज़ोर से, उस पावर के साथ धीरे धीरे इसको घुमाते रहेंगे और 35 से 45 डिग्री के बीच में अंदाजन इसको ओपन करके ऐसे होल्ड करेंगे थोड़ी देर। ठीक है, अगेन वेल कमिंग बैक इसी मोशन में रिस्ट को पूरा घुमाते हुए धीरे 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 साइड में ला के होल्ड करेंगे। डन, फिर स्टार्ट। ओपन फिस्ट, बिल्कुल क्लोज, टाइट फिस्ट, होल्ड हियर फॉर 5 काउंट्स 5 4 रिस्ट को ऊपर घुमाइए 3 2 1 एंड बैक। Once again, up, tight करके रखिए, open 5 4 3 2 1 back, third round up, open 5 4 3 2 1 back, जल्दी जल्दी बैक नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। वंस अगेन ओपन पूरा पावर के साथ होल्ड 10 9 8 7 6 5 नेक्स्ट स्ट्रेट 4 3 2 1 धीरे 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 अंडर कंट्रोल, वेरी गुड। अभी क्या करो, हाथों पे लड्डू बनाओ ऐसे, वही से अपर आर्म और शोल्डर को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे होल्ड करेंगे। ये टोनिंग एक्सरसाइज भी है साथ में रिलैक्सिंग भी है। ठीक है, क्या करेंगे, 3 बार के बाद में थर्ड टाइम में फुल ओपन करेंगे ऐसे, देखिए 1 2 एंड थर्ड में क्लैप 1 2 3 1 2 3 एक ग्राउंड के पैरेलल ओपन करेंगे, एल्बोस को नीचे नहीं करना है, यहीं पे 3 1 2 3 1 2 3 मैक्सिमम खोलो 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3 वेरी गुड, रिलैक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, हाथों को बैक में पूरा पीछे ले जाके बिल्कुल ओपन कर लो ऐसे स्ट्रेट, लॉक योर एल्बोस और वहाँ से धीरे धीरे सामने देखते हुए आप नीचे आओगे, हाथों को ऊपर खींच के रखोगे ऐसे पूरा पूरा ऊपर खींचो रिलैक्स के लिए, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। कम अप, वहां से शोल्डर के लिए इसी सेम ग्रिप को मेंटेन रखते हुए, सेम प्रेशर को मेंटेन रखते हुए एक बार हाथों को ले जाओ लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड में नेक को ऐसे प्रेस करो, ऊपर आसमान को देखो, अगेन लेके जाओ राइट साइड में और राइट में ही प्रेस करो, वेरी गुड। छोड़ दो, छोड़ने के बाद सभी अपने राइट हैंड को साइड में ओपन करेंगे, पैरेलल टू द ग्राउंड एक्सटेंड करो एंड ब्रिंग इट अक्रॉस योर चेस्ट, देन लेफ्ट हैंड से अच्छे से इसको कस के पकड़ना है, लुक ओवर योर राइट शोल्डर, खींच के रखो, चेंज दूसरा हाथ,
चेंज, वहाँ से हम करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि आर्म्स टोनिंग के लिए बेहतरीन माना गया है। ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स को क्या क्या करना है उस हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जितना जितना आपका स्टेमिना बढ़ेगा उस हिसाब से एक्सरसाइज भी एडवांस होती जाएगी। तो आज बिगिनर्स के लिए ठीक है आएंगे मार्जारासन पे। मार्जारासन का मेजरमेंट सबको पता है, यहाँ से आगे आके अपने एल्बो को नी से टच कराना है, एक हाथ फुल लेंथ, देन यहाँ से वन पाम का ठीक है कम आप दोनों नीज में थोड़ा सा गैप बना लेंगे और वहीं से आपका एक्सरसाइज शुरू होगा। बिल्कुल बिगिनर लेवल का, जिनको मतलब पुशअप भी नहीं करना आ रहा है, आर्म्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए है ये। ठीक है, इस पर आप क्या करोगे, दोनों पैरों को पीछे ऐसे फोल्ड कर लो, लॉक कर लो। ठीक है, दिस इज नॉट इवन हाफ पुशअप, उससे भी ईजी है, बस आर्म्स को धीरे धीरे एक्सरसाइज देने के लिए। यहाँ से डाउन जाएंगे, ठीक है, चिन को टच कराएंगे एंड देन कम अप। ओके, इस पर ध्यान रखिए, करेक्शन क्या है आपका, एल्बोस को बाहर की तरफ नहीं खोलना है, कोई नहीं खोलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली चेस्ट के साइड बाई साइड जाएगा ऐसे। ठीक है, 10 times चलो आप, एक बार आपका हो गया है, 2, नीज में गैप बनाइए मैम, नीज में गैप बनाइए आप, तभी एक साथ होगा, 3 आप एक साथ, 4 अंसी एल्बो साइड में खुल रहा है, अप, वेरी गुड, ठीक करो, 5 अप, 6 अप, 7 अप, 8 अप, 9 अप एंड 10 एंड अप। ओके, वहां से रिलैक्सिंग के लिए सभी आ जाइए बाल सुखासन में, इस पोजीशन में, हाँ बाल सुखासन से हम क्या करेंगे, पुश करते हुए ऐसे यहाँ पे आ जाएंगे अष्टांग नमस्कार। 8 पार्ट आपके ग्राउंड पे है, बोथ द टोज, बोथ द नीज, बोथ द पाम्स, चेस्ट एंड चिन। इसमें भी अगर फिर होल्ड करोगे तो आपका आर्म्स का पावर बढ़ेगा, आर्म्स स्ट्रॉन्ग होंगे, देन पुश करते हो ऊपर आना है, ऊर्ध्वमुख शवासन, अपवर्ड फेसिंग डॉग, इनर एल्बो सामने फेस करेगा और शोल्डर को ओपन करेंगे सभी। जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो आप धीरे धीरे ऐसे नीज को भी उठा सकते हो ऊपर, ठीक है, फिर वहां से नीज डाउन अगेन ऐसे आ जाओ। तो इसको अभी थोड़ा सा फास्ट करेंगे, विल डू 5 रिपीटेशंस फुल, ठीक है, चलिए 1 पुश करके ऐसे अष्टांग नमस्कार, एक्सहेल, 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, इनहेल एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, अगेन 1 2 3 तो उसको फ्लैट कर दो, 1 तो उसको एक्टिव कर लो, 2 3 अगेन टोस फ्लैट, 1 2 3 लास्ट राउंड, 1 2 इनहेल। अभी सभी नीज को अप करो, किसी का नी मैट पे नहीं रहेगा, होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वहां से नेक्स्ट सेट हम अपने अपने टोस को एक्टिवेट करेंगे और बॉडी को लेकर आएंगे प्लैंक में, फलक आसन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्म्स एंड शोल्डर पावर। बॉडी ऐसे भी नहीं रहेगा, ऐसे भी नहीं रहेगा, बिल्कुल सेंटर पे फ्लैट, कमर थोड़ा सा नीचे कीजिए,
नज़र बिल्कुल सामने नीचे ऐसे नेचुरली जहाँ पे आपका नेक का पोजीशन आ रहा है अपने अपने मैट की तरफ ऐसे देखो, बिल्कुल सामने ऐसे नहीं देखना है। वहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। क्या करो अभी वहाँ से अपने अपने राइट लेग को लेफ्ट नी के पास यहाँ पे लेके आओ, राइट लेग को लेफ्ट नी के पास लेके आओ, फिर राइट हैंड को ऊपर उठा लो ऐसे। यस वेरी गुड, एक हाथ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर, वेरी गुड। हाथ बिल्कुल ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखो 5, जो नहीं हो रहा रिलैक्स कर लो थोड़ी देर, 4, खुद रिलैक्स कर सकते हो, डोंट गेट इंजर्ड, 3 2 एंड 1। धीरे से ऐसे करो नीचे डाउन, ठीक है। अब वहाँ पे अगेन होल्डिंग 5, कमर ऊपर 4 3 2 1। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी के नीचे लेके आओ ऐसे, लेफ्ट लेग को राइट नी के नीचे रखो जमीन पे, और फिर धीरे धीरे घूम जाओ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में आप होल्ड करेंगे 5 4, स्टेबल रहो बिल्कुल, 3 2 एंड 1। वापस घूम के वापस यहाँ पे आ जाओ एंड नीज डाउन अगेन रिलैक्स। धीरे से बॉडी को एक्सटेंड करेंगे आगे बट ऑन योर एल्बोस ऐसे, इस तरह से एल्बोस के ऊपर आ जाओ, पैरों को पीछे खोल दो। सो दिस इज द बेबी प्लैंक, ठीक है, बेबी प्लैंक पोज। अगेन यहाँ पे भी प्लैंक मतलब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, कमर को ऐसे उठाना नहीं है, बस इसी हिसाब से रखो। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल प्लैंक में होल्ड करेंगे और साथ में होल्ड करते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें, ब्रीदिंग को रोकिए मत। अभी धीरे धीरे बॉडी को बैलेंस करते हुए सभी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए एंड होल्ड करेंगे दोनों पैर सीधा 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, कम बैक, बॉडी सीधा रखो, रिलैक्स 5 4 3, कमर को सीधा रखो 2 एंड 1। नाउ लेफ्ट हैंड बिल्कुल ऊपर की तरफ 5 4 3 2 एंड 1। डाउन, ये आपका जो अपर आर्म से ट्राइसेप एंड ट्रपीजियस इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। वहां से क्या करेंगे, इसी प्लैंक से हम करेंगे प्लैंक पाइक्स, इसमें से ऐसे करके आप कमर पे एक कर्व बनाओगे, आपके फोरहेड को दोनों एल्बोस के बीच में लगाओगे, ठीक है, पैरों का पोजीशन चेंज नहीं करना है एंड देन श्वास भरते हुए सामने देखोगे, पेल्विस को नीचे लेके आएंगे बट मैट पे टच नहीं करेगा ऐसे, होल्डिंग ऑन द एयर, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर गैप है, ठीक है, आई एम नॉट टचिंग इट। तो करेंगे टोटल 10 times एंड लास्ट, ओके, एक्सहेल इनहेल सामने देखो, एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल एंड इनहेल, रिलैक्स वहां से, थोड़ा सा पैरों को भी रिलैक्स कर लीजिए। सो ये था हमारा आज का आर्म स्पेसिफिक वर्कआउट, नॉट ओनली फॉर आर्म्स, टोटल आर्म्स का टोनिंग और साथ में शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उठ के बैठ जाएंगे तो सभी दर्शकों को थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स फॉर कमिंग टू कुसुम योगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो जब भी कोई नया वीडियो हम लेके आएंगे आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स टू ऑल माई क्लास मेम्बर्स। तो आज इतना ही,